और अगर इन्होंने तीनों सवाल के एक ही जवाब दिए तो ये गेम ये जीत जाएंगे। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। सबसे पहला सवाल कुसुम जी के लिए, जो अभय इस वक्त नहीं सुन सकते। कुसुम जी, अगर आपको अपने पति यानी अभय कपूर के साथ कहीं हॉलिडे पे जाना हो, वक्त बिताना हो, तो आप दोनों कहां जाना पसंद करेंगे? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर घर पे रहना पसंद करेंगे? जी मैं घर पे रहना पसंद करूंगी और अभय ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद करूंगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। We all know Australia is a beautiful place, लेकिन go east to west, home is the best. अब यही सवाल हम अभय जी से भी पूछेंगे। अभय जी, you can hear me? Okay, अगर आपको अपनी पत्नी के साथ यानी कुसुम जी के साथ कहीं हॉलिडे पे जाना हो तो आप दोनों कहां जाना पसंद करेंगे? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर घर पे रहना पसंद करेंगे? जी, कुसुम घर पे रहना पसंद करेंगे। हमें ऑस्ट्रेलिया जाना। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये दोनों कितनी अच्छी तरह पहचानते हैं एक दूसरे को। और आप दूसरा सवाल, सवाल का ताल्लुक मेमोरी से है, तो देखते हैं कौन किसके बारे में कितना कुछ याद रख सकता है। कुसुम जी, आप हमें ये बताइए कि अभय जी को क्या याद रहता है? मैरिज एनिवर्सरी, एक दूसरे के बर्थडे या दोनों में से कुछ भी नहीं? कुसुम, वो मैं लॉकर की कॉम्बिनेशन भूल गया था। मैं जानती थी कि मेरा बर्थ डेट आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अभय को अपनी मैरिज एनिवर्सरी की डेट अच्छी तरह से याद होगी और मैं उसके अलावा बर्थ डेट भी याद होती। यही सवाल हम दोहराएंगे अभय जी से। अभय जी, आपको क्या याद रहता है? मैरिज एनिवर्सरी, एक दूसरे के बर्थ डेट या फिर कुछ भी नहीं? मुझे अपनी एनिवर्सरी याद, लेकिन बर्थ डेट मुझे याद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वैसे अभय जी, एक बात आपने बिल्कुल सही फरमाया भाई, अपनी जिंदगी की आजादी का वो आखिरी दिन आप तो क्या कोई भी आदमी नहीं भूल सकता। आखिर अभी वो दिन कैसे। और अब कुसुम जी से आखिरी सवाल है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कुसुम जी, आपको ये बताना है कि आपके हस्बैंड इन तीन एक्सप्रेशंस में से कौन से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं? आई लव यू, सॉरी या फिर थैंक्स? जी, वो हमेशा मुझे सॉरी कहते रहते हैं और मैं उन्हें थैंक यू। क्या बात है। अब यही सवाल हम दोहराएंगे अभय जी से। अभय जी, आप ये बताइए कि आप इन तीन एक्सप्रेशंस में से कौन से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं? आई लव यू, सॉरी या फिर थैंक्स? मैं हमेशा सॉरी कहता रहता और कुसुम हमेशा थैंक यू। डांस तो करना ही पड़ेगा। Come on, Kusum! Bye, Ben. हमें डांस करना नहीं है। अभी अभी मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें डांस करना नहीं आता। ये शायद वो अपने लिए कह रहे हैं। मुझे तो डांस करना आता है। Yes! डेयर करती हूँ कि वो मेरे साथ डांस करे।
सबसे ज्यादा अच्छा डांस करता है। यस कुसुम, यस यस। सॉरी सॉरी, यही तो बोलना आता है। अब तो सारी दुनिया को पता चल गया है कि तुम हर वक्त यही बोलते रहते हो। कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई माफ करे या ना करे, बोलते रहते हो I'm sorry। खुद ही अपने आप को माफ कर देते हो। अच्छा तरीका है इस गिल्ट से दूर होने का। आखिर मैंने किया क्या है? ये तो सब आर्यमन का किया करता है, ये सब उसकी चाल है। अगर तुम्हें पता था कि ये सब उसकी चाल है तो तुम फंस क्यों गए? छोड़ के क्यों नहीं आ गए वो खेल? आर्यमन ने ऐसी चाल चली कि मैं फंस गया। उन सब लोगों ने मुझे फंसाया। सबने? सबने फंसाया तुम्हें? कुसुम ने फंसाया था तुम्हें? सबने नहीं, कुसुम ने। ईशा, कुसुम बेचारी तो खुद फंसी थी। तुम्हें वो फंसी हुई नजर आ रही थी? मुझे तो वो कहीं से फंसी हुई नहीं नजर आ रही थी। मुझे तो ये लग रहा था कि उसने तुम्हें फंसा था। कैसे बोल रही थी, कम डांस में भी चैलेंज कर रही थी तुम्हें और तुम चले गए। Very good। फंसी हुई थी my foot। Hear something? I don't want to know anything। You're impossible। Oh really? जब विशाल की पार्टी में मैं तुम्हारे साथ नाच रहा था तो कुसुम ने कोई सवाल किया नहीं ना? और तुमों की सवाल पे सवाल किया था। Listen अभय, मेरी एक बात ध्यान से समझ लो। मैं कुसुम नहीं। अच्छा तो ये सब आपका क्या कराया था? आप ही ने ये सब प्लान किया था? प्लान? अरे कैसा प्लान, ये तो सब इत्तेफाकन हुआ, जस्ट बाय चांस। ये सब इत्तेफाकन हुआ? हो ही नहीं सकता। मुझे यहाँ बुलाना, फिर तान्या का मेरा वाइट ड्रेस पहनने पर जोर देना, अभय को भी यहाँ बुलाना, उसे इस गेम में शामिल करना, ये सब इत्तेफाक था? क्या मैं इतनी बड़ी बेवकूफ दिखती हूँ कि मैं आपकी बातों पर यकीन कर लूंगी? बेवकूफ और कुसुम, ये बात तो मैं सोच ही नहीं सकता ना। फिर आपने ये सब किया क्यों? भाभी, मोहब्बत और जंग में सब तरीका जायज है। पर इस केस में ना तो कोई मोहब्बत है और ना ही कोई जंग। एक्चुअली भाभी, वी आर वेरी सॉरी, हमने ये सब इसलिए किया कि हम ईशा को उसकी असली औकात दिखा सके और उसका चेहरा देखने लायक था। और आपने भी उसे क्या जवाब दिया, वाह। एक्चुअली भाभी, ये सारा आइडिया मेरा था, अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। अब और कुछ मत कहना, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया उसके बाद मुझे लगता है कि तुम दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरी बहुत फिक्र है तुम दोनों को। थैंक्स। देखिए प्लीज, आप मुझे ऐसे मत देखिए, मैं सॉरी नहीं कहूंगा। जिस पार्टी का मैंने हर एक लम्हा एंजॉय किया उसके बारे में मैं सॉरी कैसे फील कर सकता हूँ? और वैसे भी आई बिलीव इन टिट फॉर टैट, जैसे कुछ ऐसा मिला मुझे तो बड़ा मजा आया। हमें भी बहुत मजा आया ना। चले 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 मामी। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो आज। विशु, अगर तुम सुनोगे ना तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। अक्षय ने बहुत कमाल का काम किया। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस खामखा मेरी तारीफ की जा रही है। मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। विशु आपको पता है ये तो कमाल का सेल्समैन निकला। वो जो दो डिस्ट्रीब्यूटर्स आए थे ना, उन दोनों को इसने ऐसे इंप्रेस किया कि दोनों हमारी मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो गए। बहुत ही अच्छी तरह से इंप्रेस किया है तुमने ज्योति को अपने काम से। सर वो तो करना ही पड़ेगा सर, वरना मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगा। सर मेरा मतलब है कि अगर मैं आपको ये ना दिखा पाऊं कि मेरे अंदर कितनी काबिलियत है तो आप मुझे नौकरी पे क्यों रखेंगे सर? आप किसी और को रख लेंगे। और सर आपकी इस जॉब में मुझे अपनी काबिलियत दिखाने के इतने मौके मिल रहे हैं कि जहां भी मिल रहा है मौका मैं लगा रहा हूं चौका। सर आई एम रियली फीलिंग एट होम। मैं सोच रही हूं कि अक्षय को अपने साथ बैंक ले जाऊं, क्या पता मैनेजर को भी ये इंप्रेस कर दे और हमारा काम हो जाए। ले जाओ, लेकिन मुझे ठीक ठीक रिपोर्ट करते रहना। हां मेरा मतलब है जो भी होता है बैंक में मुझे कहते रहना। ओके अक्षय चले। विशु पाटिल को सारी डिटेल्स एक्सप्लेन कर देना। बाय। गुड जॉब अक्षय। थैंक यू सर। वेरी वेल डन।
मेरे ख्याल से तुम अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हो, लेकिन हाँ, क्या तुम्हें पता लगा है कि ज्योति को वो पैसे क्यों चाहिए थे? सर मुझे अब तो मौका नहीं मिला सर, पर जैसे ही मौका मिलेगा सर मैं उनसे पता करके आपको बता दूंगा। डू दैट। अक्षय, चलो एक काम तो हो गया। अक्षय तुम्हें वो मेरा काम किया, वो ज्वेलरी के एवज में मैंने पैसे मंगवाए थे आगे, वो 2 लाख रुपए कैश, राइट? हाँ आगे। थैंक्स अक्षय, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी वेरी मच। मेरा फर्स्ट मंथ वो पैसे ऑफिस में ले आए हो ना? लॉकर में। लॉकर में? कम कम, एक्सक्यूज मी। आपको विशाल सर ने बुलाया। विशाल सर ने? पर अभी अभी तो मैं उनसे मिल के आया, शायद उन्हें वापस मेरी याद आ गई। ये लीजिए, आप अपना फर्ज निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाता हूँ। I'll catch you later. Bye, Stephanie. आपने अपने खादिम को याद किया सर? ये बाहर हो क्या रहा था? हाँ? इतनी हंसी क्यों हो रही थी? ज्योति इतनी खुश क्यों हो रही थी? वो खुश? आ सर, उनके पैसों का इंतजाम हो चुका सर, इसलिए खुश थी वो। वही बता रही थी मुझे सर। पैसों का इंतजाम कहाँ से हो? कैसे हो पैसों का इंतजाम? अरे वही तो सर, वही तो मैं उनसे पता करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि वो मुझे कुछ बताती, इस बार में आपने मुझे यहाँ पर बुला दिया और मैं आपके आगे हाजिर हो गया सर। मैं 2 लाख रुपए, ज्योति को इतने सारे रुपयों की जरूरत, आखिर करना क्या है उसे इतने सारे रुपयों का? वही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर। सर जो थॉट आपके दिमाग में अटका है ना, वही सेम थॉट मेरे भी दिमाग में अटका हुआ है सर। एक लड़के को इतने सारे रुपए खर्च करने में ज्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि उसके पास ढेर सारी जगह होती है पैसा खर्च करने के लिए, लाइक वाइनिंग, डाइनिंग, यू नो, गैम्बलिंग, डिस्कोइंग, लड़की पटाइंग, लड़की इंप्रेसिंग। पर मैं ये सोच सोच के परेशान हूँ कि लड़की इतने पैसे। बस बस, तुमने बोलते बहुत ज्यादा हो। मैं बोला चुप, और अब जाके पता लगाओ कि ये पैसे उसके पास आए कहां से और कहां जाएंगे, कहां खर्च करेंगे। राइट अवे। राइट अवे सर। आइए ना, मैं जानती हूँ कि मेरा इस तरह यहाँ दोबारा ना आपको। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बैठिए ना। दरअसल बात यह है ना कि आप जब पहली बार आई थी तब कुसुम ने ऑफिस जाना शुरू किया था, अब आप दोबारा आई हैं, सोच रही हूँ कि कहीं कुसुम वापस घर ना जाए। क्यों, आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी का घर दोबारा बस जाए? कौन माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी का घर बस जाए, लेकिन घर बसना और ससुराल वापस जाना दोनों अलग चीजें हैं ना। ससुराल में अगर बेटी को सुख न मिले तो उसकी माँ के आंचल में इतनी जगह तो होती है जहां आकर बेटी प्यार से सर ढक ले। आपको यहां देखकर मन में ढेर सारे सवाल उमड़ने लगे हैं। आपके हर सवाल का सिर्फ एक जवाब दे सकती हूँ, अगर हो सके तो मुझ पर भरोसा रखिए। ये बात सही है कि कुसुम हमारे घर में बहू बन के आई, पर मैंने कुसुम को हमेशा अपनी बेटी माना है। अब आप ही बताइए, कौन सी माँ अपनी बेटी का हित नहीं चाहेगी? मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब शशांक ने अपना अलग घर बसाया था तब मैंने अपनी बहू के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा था। आखिर बेटे की गलती की सजा बहू को क्यों दे? आप कुसुम से मिल सकती हैं, अंदर है। कुसुम। अरे मामी जी आप बैठ, मुझे बुला लिया होता। क्यों, मैं अपनी बेटी को मिलने नहीं आ सकती? तुम्हारी एक चीज मेरे पास थी, गाड़ी की चाबी,
गाड़ी नीचे खड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि आज आप अपनी बेटी से खुद की मर्जी से मिलने नहीं आई है। सच कहिए, अभय ने आपको भेजा है ना? हाँ, पर इसमें मेरी मर्जी भी है। नहीं मम्मी जी, मैं ये चाबी नहीं ले सकती। तुम्हारा इस तरह बस स्टॉप पे कतार में खड़ा रहना अभय को पसंद नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मैं ये चाबी ले लेती हूँ अगर आप मुझे यकीन दिलाए कि ये जेस्चर अभय के प्यार का है। और बस स्टॉप पे मुझे खड़ा देखते हुए अभय को दुख महसूस होता है। ये सब अभय इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपना गिल्ट कम करना चाहता है। इन सब चीजों का क्या फायदा जब अभय मुझसे प्यार नहीं करता? ये चीजें तो कोई मायने ही नहीं रखती है। प्लीज मम्मी जी, आप मुझे गलत मत समझिए, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा स्वाभिमान है। जब भी मुझे गाड़ी की जरूरत हो, आपकी बेटी होने के नाते मैं हक से आपसे ये चाबी मांगूंगी।